प्रधानमंत्री के सामने भी कुछ मुद्दे में रखे। मैंने जब मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर जो हमारे प्रदेश में ज्यादातर हमारे आदिवासी लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं, उनकी जो समस्याएं, उनके जो विषय है, उनको मैं भारत सरकार के सामने लाऊंगा, पार्लियामेंट में सबके सामने रखूं। ये मैंने बिल्कुल मैंने निर्णय लिया है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगे के दिनों में भी ये सारे मुद्दे भारत सरकार के सामने या पार्लियामेंट में जहाँ पर भी जरूरत होगी पार्लियामेंट के सामने ये सारे मुद्दे उठाने का काम मैं करूँगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं तो चुनाव में गया था लोगों के बीच में और लोगों ने जो मुझे समस्याएं कही, लोगों ने जो मुझे बातें कही, मेरी जिम्मेदारी है कि ये कानून के तहत सही समस्या कानून के तहत वह समस्या हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, एक प्रदेश के एमपी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस सरकार के सामने इस बात को रखूँ। मैंने देखा कि आज भी हमारे प्रदेश में कई चुनौतियाँ हैं, उसके सामने हमें सचेत रहना है। आज भी मैं गाँव में देख रहा हूँ कि आज भी बेरोजगारी है, आज भी गरीबी है, आज भी कुपोषण जैसे जो रोग है उसके सामने हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे वो शिकार हुए हैं। उसके सामने भी हमें सचेत रहना होगा, उसके सामने भी हमें एक्शन कार्यवाही करनी होगी। ये सारे मुद्दे आगे के दिनों में हम उठाने का काम आगे के दिनों में करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग हमें वोट देते हैं, ये सोच के वोट देते हैं कि जिससे मैं वोट दे रहा हूँ वो आगे के दिनों में मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुँचाएंगे, मेरी आवाज को पार्लियामेंट तक ले जाएंगे, सरकार के सामने मेरी आवाज रखेंगे। ये सोच और ये अपेक्षा के साथ हमें वोट देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे कर्तव्य का हम निर्वहन करेंगे। हम इस बात के लिए तो देश की पार्लियामेंट में शपथ लेते हैं और देश की पार्लियामेंट में शपथ लेते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बात को हर जगह उठाएंगे और इसमें हम बिल्कुल पीछे हटने का काम नहीं होगा। आगे के दिनों में मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, फिर एक बार प्रदेशवासियों को मैं अभिवादन करना चाहता हूँ इस मुक्ति दिवस पर और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रदेश मैंने कहा प्रशासन महोदय, हमारा प्रशासन सब मिल करके हम काम करेंगे, सब मिल करके इस प्रदेश का एक नया भविष्य बने, प्रदेश में प्रगति हो, प्रदेश की समस्या हल हो, ऐसे दिशा में आगे के दिनों में काम किया जाएगा, उस पर ध्यान रखा जाएगा। जैसे मैंने आगे भी कहा, वैसे मैं सारे हमारे जुड़े हुए प्रतिनिधियों को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रशासन के साथ मिलकर के काम करें, जहाँ समस्या हल करनी है प्रशासन का सहयोग करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और प्रशासन के सहयोग करने के साथ हम हमारी जिम्मेदारी को निभाएं कि हमारा कर्तव्य बनता है। फिर एक बार हमारे प्रदेशवासियों को मैं मुक्ति दिवस पर अभिवादन करना चाहता हूँ, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज मैं तो कई कई समय के बाद पहली बार यहाँ पर आया हूँ, 10 साल के बीच।